नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल और मैं लेके आ गया हूँ एक नई वीडियो आप सबके लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, बिकॉज बड़ी मेहनत से बनाई है यार ये वीडियो। कुछ बात करने जा रहा हूँ मैं जिसकी बहुत ज़रूरत है आजकल हमें, एंड इस वीडियो को एंड तक देखना। एक अपनी छोटी सी स्टोरी भी बताऊँगा, शायद वो आप लोग को काम आ जाए। तो आजकल के टाइम में ना मोस्ट ऑफ द पीपल ना डिमोटिवेटेड है, और उनको ना हर चीज़ में मोटिवेशन चाहिए, मतलब हर जगह मोटिवेशन चाहिए, वरना वो हर चीज़ में वो नेगेटिव रहते हैं। अगर आदमी यार हर जगह नेगेटिव रहेगा तो ऐसे कैसे चलेगा। ऐसे लोगों को हर चीज़ के लिए मोटिवेशन चाहिए। आई नो, मुझे भी और मेरे लिए भी पैसा एक मोटिवेशन है, हंसी है मत, वो सबके लिए है। लेकिन पर कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी होती हैं हमें पैसे के अलावा अपने लिए भी करनी होती है, और उसके लिए मोटिवेट होना पड़ता है। क्योंकि कुछ अचीव करने के लिए ना, एक जगह पे पहुंचने के लिए हमें मोटिवेशन चाहिए। तो इरफान खान सर का एक डायलॉग याद आ रहा है, सुनिएगा जरा ध्यान से। शौक ना दो तरह के हुए हैं, एक तो वो जो समय के साथ ख़त्म हो जावे है, और दूजा वो जो समय के साथ मकसद बन जावे है। तो ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि यार कुछ लोग होते हैं समय के बाद वो लोग बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो यार खुद को मोटिवेट रखो, क्योंकि यार देखो मोटिवेशन तुम हर जगह से ले सकते हो, अपने घर वालों से, अपने पापा से। और क्योंकि यार देखो वो लोग, मतलब मैं तो अपने पापा से लेता हूँ, क्योंकि वो कहाँ से थे और वो अब कहाँ पे हैं, तो उनसे मैं सीखता हूँ कि वो कहाँ से उठ के हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। तो यार मुझे उनसे बहुत मोटिवेशन मिलती है, उनको देख के काम करने का मन करता है। तो मोटिवेशन एक गेम से भी ले सकते हो आप लोग, क्योंकि अगर एक गेम में खेल रहे हो आप तो उसमें मर जाते हैं, आउट हो जाते हैं, तो क्या आप वो गेम खेलना छोड़ देते हैं? नहीं ना, आप फिर से खेलते हैं। तो जीवन में इतनी जल्दी हार क्यों माननी यार, अगर कुछ चीज़ नहीं हुई तो इतनी जल्दी हार मत मानो। हो सकता है उस टाइम तुम्हारा टाइम ना हो, उस टाइम लक ना हो, उस टाइम तुमने मेहनत कम करी हो, अगली बार मेहनत ज़्यादा करना, अगली बार क्या पता और ज़्यादा अच्छे से अपना 100% देना। तो इतनी जल्दी हार मत मानो यार, आजकल बहुत लोग जल्दी से हार मान जाते हैं। बट अपने आप को टाइम दो और फिर वापस आओ, और फिर अपना 200% दो। तो ये करो, हार मत मानो यार। तो यार देखो, जो भी तुम काम कर रहे हो बस उसे एंजॉय करना शुरू कर दो। कितना भी बोरिंग काम हो लेकिन उसे इंटरेस्टिंग बना दो। जो लोग सोचते हैं, जो एग्जाम में फेल हो गए या जॉब से निकल गए या कुछ भी फिनेंशियल प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, कहीं भी कुछ भी मन मतलब सही नहीं लग रहा, तो अब क्या करें? हार मान ले? नहीं, हार नहीं माननी भाई, बिलीव करो, हाथ जोड़ो, भगवान पे बिलीव करो, उससे ज़्यादा अपने आप पे बिलीव करो। क्योंकि अपने आप पे आपको बिलीव करना होगा, तभी तो जीवन चलेगा। दिस इज द मेन थिंग इन योर लाइफ यार। यार देखो, फेल हो गए हो ये गलत नहीं है, लेकिन उस फेलियर से कुछ सीख नहीं ले रहे हो और दुखी हो रहे हो तो भाई ये गलत बात है। तो यार शाहरुख खान सर का एक डायलॉग याद आ रहा है मुझे, जो आपने भी सुना होगा, और वो एक सिर्फ डायलॉग नहीं यार, बिल्कुल सच बात है। किसी चीज को अगर तुम पूरे शिद्दत से चाहो, पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुट जाती है। तो गाइस ये हकीकत बात है, अगर वो चीज तुम्हें ना मिले तो समझ लेना पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। देखो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं या क्या आप सोचते हैं, लेकिन इससे फर्क जरूर पड़ता है क्या आप क्या मान लेते हैं। क्योंकि जो आप मान लेते हैं ना, आज नहीं तो कल आप वही बन जाते हैं। तो यार एक बात बोलूंगा, अभी सबको पता है कि अभी क्या सिचुएशन है, लेकिन इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है वो आपके हाथ में है, लेकिन सिचुएशन हैंडल करना आपके हाथ में नहीं है। आजकल लोग बाग वीडियो देख के बहुत मोटिवेट होते हैं, तो वो पेरेंट्स की बात या किसी और चीज़ से मोटिवेट नहीं होते। तो मैं एक चीज़ बोलूँगा कि टाइम दो हर चीज़ को। तो यार अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होगे तो आपको पता होगा, एक हफ्ते के लिए मैंने सोशल मीडिया से ब्रेक लिया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई डिप्रेशन वाला बंदा ही नेगेटिव हो सकता है या कोई एक स्पेसिफिक बंदा ही डिप्रेशन में जा सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल बंदा भी नेगेटिव हो सकता है। तो जहाँ से आपको नेगेटिविटी मिल रही है उससे दूर हो जाओ। तो मुझे
थोड़े दिन के लिए सोशल मीडिया से नेगेटिविटी मिल रही थी, मैं उससे दूर हो गया, मैं एकदम रिफ्रेश हो गया, माइंडसेट अच्छा हो गया, तो मैं वापस आया सोशल मीडिया पे और बढ़िया पोस्ट करी है मैंने उसके बाद। तो गाइज मैं सिर्फ इतना, मेरा कहने का बस ये पॉइंट है कि यार जो भी आपको नेगेटिविटी दे रहा है, जो भी चीज़ से आपको नेगेटिविटी मिल रही है, उससे दूर हो जाओ या उसके बारे में डिस्कस मत करिए, उसके बारे में सोचो मत, वहाँ से निकलो, टाइम दो, हर चीज़ को टाइम दो, उसके बाद वापस आओ और 200% दो। तो मैं आप लोग से ये कहूँगा, ऐसा करो जिसमें आप लोग को खुशी मिले यार। और मैं एक अपने यूथ को एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मतलब जो भी ये वीडियो देख रहा है या कोई भी वीडियो देख रहा है, तो यार देखो इंस्टाग्राम या कहीं भी फेसबुक जहाँ पे भी, ऐसे लोगों को फॉलो करो जो आपको अच्छा इन्फ्लुएंस कर रहा हो, जो अच्छी बातें आपको बता रहा हो और जिससे आप लोग मोटिवेट होते हो, जो अच्छा अच्छा दे रहा हो, यानी कि किसी को भी फॉलो कर लो, ठीक है ना। तो गाइस मुझे भी पता है कि मतलब कुछ नया स्टार्ट करने के लिए या कुछ आप कर रहे हो जो चल नहीं रहा है, आप डीमोटिवेट हो रहे हो, कोई ऐसा बंदा चाहिए होता है कि यार बस एक बार कोई बोल दे कि यार कोई नहीं यार चल तू कर सकता है। क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि कोई मुझे बोल दे, मुझे भी बहुत कम बोलते हैं कि यार कोई नहीं यार बढ़िया चलेगा, तू बस करता जा, हम तेरे साथ हैं। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, तुम्हारा कुछ भी स्टार्ट करने का मन हो या कुछ भी तुम कर रहे हो जो अभी तुम्हें लग रहा हो चल ना रहा हो, तो मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ कि आज नहीं तो कल चलेगा, बस अपना 100% देते जाओ, बस मन में बना लो कि आपको करना है तो करना है, तो बस करके दिखा दो। और जो लोग आपको समझ रहे हैं ना कि आप कुछ नहीं कर सकते, सबको दिखा दो कि आप कर सकते हो। क्योंकि यार देखो डर से मत डर, डर तुझे ये समझाएगा कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन तू डर से मत डर, डर के आगे बढ़। तो भाई चलो मैं अपनी एक स्टोरी, छोटी सी स्टोरी बताते हैं, एक्सपीरियंस बोल सकते हो। तो मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले, तो मुझे नहीं पता था ये चैनल चलेगा या नहीं चलेगा, तो मैं तब भी ये वीडियो डालता रहा अपने इस चैनल पे और रेगुलर ही वीडियो डालता रहा। मुझे यकीन तो था कि मैं अपना गोल एक अचीव करूंगा, आज नहीं लेकिन किसी दिन जरूर करूंगा, क्योंकि मैंने ये अपने दिमाग में माना हुआ था और खुद पर यकीन था इस। और उससे अच्छी बात ज़्यादा पता है क्या है कि जो मैं कर रहा था और जो मैं कर रहा हूँ इसमें मुझे खुशी मिलती है। तो देखो यार आपको ना कुछ चीज़ें अकेले ही स्टार्ट करनी पड़ती है, उसके बाद मैंने खुद देखा सीखा और स्टार्ट करा और अब तक कर रहा हूँ। और यार एक टाइम पे ना मैं खुद डीमोटिवेट हो गया था, टू बी ऑनेस्ट। तो गाइज यार मैं रेगुलर वीडियो डाल रहा था, मैं रेगुलर वीडियो शूट करके अपलोड कर रहा था, और ना ही मेरे व्यूज़ आ रहे थे, ना ही मेरे सब्सक्राइबर गेन हो रहे थे। तो मुझे भी मतलब एक बंदे को खुद को भी डीमोटिवेट फील होता है, मुझे भी हो रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, मतलब यूजुअली हर बार की तरह मैंने वीडियो डाली और उस वीडियो में अगले दिन सुबह तक 1000 व्यूज़ हो गए। तो आप लोग को लग रहा 1000 ही तो हैं, लेकिन जब मेरे इतने सब्सक्राइबर्स ही नहीं थे तो 1000 व्यूज़ आने मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और उसी शाम तक उसी वीडियो में 2000 व्यूज़ आ गए। तो मुझे ऐसा लगा यार ये वीडियो तो शायद चल रही है, शायद लोगों को पसंद आ रही है या लोगों में पहुंच गई तो लोग देख पा रहे हैं। तो गाइज ये कह सकते हैं कि वो जो मतलब रात में और सुबह में 1000 और 2000 व्यूज़ थे ना, वो मेरे दुनिया के बहुत अच्छा, मतलब एकदम मुझे ऐसा लगा यार बेस्ट टाइम है। तो मतलब इतनी अच्छी खुशी हुई और लाइफ का बेस्ट पार्ट ये था, क्योंकि यार मैंने एक चीज़ स्टार्ट करी और व्यूज़ 1000 2000, तो वहाँ से वो मुझे मोटिवेशन मिली और उसी मोटिवेशन की वजह से मैं आज आपके लोग के सामने बैठा हूँ, आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और उसी वीडियो में सिर्फ एक हफ्ते में 10000 व्यूज़ आ गए। मैंने उस महीने में 15 वीडियो डाल दी नॉन स्टॉप बैक टू बैक, और उस महीने में मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट, हमेशा ऐसी बनाए रखना। तो गाइज मैं उसके बाद वीडियो डालता रहा और आज मेरे ऑलमोस्ट 4000 सब्सक्राइबर। आई नो आप लोग को भी लगेगा कम है, मुझे भी लगता है कम है, लेकिन जब मैंने स्टार्ट करा था, जहाँ से मैंने स्टार्ट करा था, मुझे सही में नहीं पता था कि मैं यहाँ तक भी आ पाऊँगा। तो क्योंकि यार देखो कुछ भी चीज़ आप जब नया करते हो तो आपको पता नहीं होता कि चलेगा नहीं चलेगा। हाँ मेरे मन में भी था चलेगा, लेकिन वही है ना, दिमाग तो नेगेटिव तरफ भी जाता है, तो उसको मैंने पॉजिटिव की खींच के रखा और मैंने बोला नहीं भाई तू मेहनत करता रहे और चलेगा एक ना दिन, बहुत अच्छा चलेगा।
तो गाइज उसके बीच काफी लोगों ने मुझे बहुत कुछ कहा, कुछ ने मेरे मुंह पर कहा, कुछ ने मेरे पीठ पीछे कहा कि क्या कर रहा है ये पागल है साला, ये बनेगा यूट्यूबर, इससे होगा कुछ। लेकिन मैंने अपने आप से बोला भाई नहीं, डर से मत डर, डर के आगे बढ़, क्योंकि यार आज मैंने कुछ नया करा है तो ये लोग बोल रहे हैं, कल को ही मेरा यूट्यूब चैनल चल भी गया ये लोग तब भी बोलेंगे। तो भाई लोगों का काम तो है बोलना, तो उन्हें बोलते रहो, अपना काम करते जाओ, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये तो सुना ही होगा ना आपने। लेकिन हमें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अपना बेस्ट दो और जो भी आप कर रहे हो बस, और फिर देखो क्या रिस्पॉन्स मिलता है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि वो चर्चे होते रहने चाहिए, अच्छे हो या बुरे, तो बस करते रहो अपना काम, मैं भी कर रहा हूँ, आप लोग भी करो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा खाओ और मेहनत करो यार। तो बस मोटिवेटेड रहो, खुश रहो, अच्छा खाओ, अच्छा बोलो और मेहनत करते जाओ, सबका टाइम आएगा, अपना भी आएगा, शायद अभी नहीं लेकिन जल्दी आएगा। तो गाइस ये वीडियो मेरी यहीं तक थी, ये वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ ये था कि आप लोग को इस वीडियो से मैं शायद थोड़ा सा मोटिवेट कर पाऊँ, हो सकता है आप लोग हुए भी होंगे, हो सकता है नहीं भी हुए होंगे, बट मैंने अपना 100% दिया। और आप जो बनना चाहते हो या सोच रहे हो कुछ करने का, तो भाई लोग आप लोग करो। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो को पसंद आई होगी, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, फैमिली फ्रेंड्स किसी को मेरी इस वीडियो की ये मोटिवेशन की ज़रूरत हो और उसको मैं हल्की सी मदद कर पाऊँ, तो इसलिए वीडियो को ज़रूर शेयर करना। और मुझे भी एक छोटा सा रिवॉर्ड दे देना कि सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे जब मेरी नेक्स्ट वीडियो आए आपको पता चल जाए कि मेरी वीडियो आ गई है। तो यार देखो मैं ना अपना काम कर दिया आप लोग को मोटिवेट करके, अब आप लोग की बारी है मुझे मोटिवेट करके कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। तो एक चीज़ और बोलना चाहूँगा एंड में यार, आप लोग ना यार सेलिब्रिटीज़ को बहुत फॉलो करते हो, मतलब सभी करते हैं, मैं भी करता हूँ, नो इशू, लेकिन हम जैसे छोटे क्रिएटर को भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। सेलिब्रिटीज़ को तो आप जानते नहीं हो, हो सकता है कुछ बंदे से यहाँ पे मुझे जानने वाले होंगे और उन्होंने सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा होगा, तो उन लोग को भी बोलना चाहूँगा, तो सेलिब्रिटीज़ की तो वैसे ही फैन फॉलोइंग है, अपने दोस्तों को फैमिली में जो भी ऐसी चीज़ें कुछ नया कर रहा है उनको प्रमोट करो, उनको मोटिवेट करो, उनको सपोर्ट करो और हम जैसे लोगों के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।